नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अन अकेडमी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। कैसे हैं आप? होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मंगल होंगे और पढ़ने के लिए एकदम सज्ज होंगे, है ना? ठीक है, तो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि मैंने कल आप लोगों को जो चीजें पढ़ाई थी उसी से आगे की मैं बात आपके सामने कर रहा हूं। कल हम लोग इस टाइटल में इमरजेंसी का जो मेन क्लॉज है वो डिस्कस कर चुके थे, प्रोसेस शुरू कर चुके थे। लेकिन चूंकि इमरजेंसी और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दो ऐसे टाइटल्स हैं जिनके बारे में जितना डिस्कशन हो उतना कम होता है, तो हम इसी क्रम में आज आपको इस इमरजेंसी प्रोविजन का पार्ट टू करा रहे हैं। कल एज पर प्रॉमिस जितने सवाल हमने कराए थे उससे आगे वाले सवाल अब हम अभी वाले सेशन में करा रहे हैं। ठीक है, हम लोग आपको बता चुके हैं कि आर्टिकल 352, 356 और 360 ये तीन वो आर्टिकल हैं जिनके चलते भारत में इमरजेंसी की बात की जाती है। अगर आपको याद हो तो मैंने आज मॉर्निंग वाले सेशन में एक बार जरूर देखिएगा, एक बहुत ही शानदार सेशन हमने सुबह लिया है यूपीएससी चैनल, जो हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पर मैंने आपको बताया था कि इम्पीचमेंट प्रोसेस और इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ इंडिया और इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ यूएस में क्या डिफरेंस है ना। एक बहुत ही शानदार टाइटल किया था, अगर आपने देखा हो तो जरूर, और नहीं भी देखा हो तो कुछ आप जरूर देखिएगा उस टाइटल को। मैं कहना केवल इतना सा चाह रहा हूं, है ना बेटा? ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये जो इमरजेंसी है, इमरजेंसी किस प्रकार से फेडरल करेक्टर वर्सेस जो यूनिटरी करेक्टर है उन्हें मर्ज करती है, हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले जो हमेशा की तरह जो कन्वेंशन रहा है जानने का, वो है रेफरल कोड और संबंधित कोर्सेज के संबंध में बातें। अच्छा, कोर्सेज के बारे में बात होती रहेंगी, लेकिन एक बात मैं आपको और बता देता हूँ जो आपको याद रहनी चाहिए। वो क्या है कि अन अकेडमी जो है हर संडे आप लोगों के लिए टेस्ट आयोजित करती है, जिसे हम लोग अन अकेडमी कॉम्बैट टेस्ट कहते हैं। कॉम्बैट, देखिए आप लोग राइज 2.0 तो टेस्ट दे ही रहे होंगे, मतलब सुबह 8:30 बजे होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है। एक अन अकेडमी कॉम्बैट टेस्ट जारी करती है हर संडे को टेस्ट होता है ये, और इस कॉम्बैट में हर सेक्शन में होता है, यूपीएससी में, एसएससी में, बैंकिंग में, सब में होता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो प्राइज बांटे जाते हैं वो यूपीएससी कैटेगरी में बांटे जाते हैं। तो इनकेस अगर आप इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करें और जीत जाएं तो संभव है कि अन अकेडमी आपको 3 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन यूपीएससी का गिफ्ट कर दे। जिस कैटेगरी में आप जीतेंगे उस हिसाब से बता रहा हूँ। हो सकता है कि आपको उसकी जगह कोई आईपैड गिफ्ट कर दे, मतलब टॉप 100 विनर्स के लिए भी प्राइजेस हैं इसके अंदर अन अकेडमी कॉम्बैट में। ठीक है, तो कॉम्बैट में पार्टिसिपेट जरूर करना, मतलब संडे के दिन एक बार जाकर के सर्च कर लीजिए, सुबह 10 बजे जो है आपका ये कॉम्बैट होता है। ठीक है ना, तो इसको आप चेक कर लीजिएगा कल सुबह 10 बजे। ठीक है ना, हाँ जी, मतलब डिपेंड्स कि आप 11 बजे 10 बजे पर देख लेना यार, मैं थोड़ा सा समय को लेके कंफ्यूजन है, मैं बता भी सकता था समय लेकिन मैं मिस कर गया हूँ। ठीक है, हाँ जी, तो एक बार वो समय नोटिस कर लीजिएगा, मैं उस समय मिस कर गया हूँ। एक मिनट, बताया तो गया था मुझे, शायद 11 बजे ही है ना। हाँ जी, तो 11 बजे कॉम्बैट जो है वो आपका आयोजित होता है, उसमें पार्टिसिपेट करना। देखिए हर 2 वीक में होता है, बस आप उसमें एनरोल कर लीजिएगा, जैसे ही शुरू होगा वो आपको पता चल जाएगा। मतलब 50,000 की संख्या में बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जबरदस्त तरीके से मेरे प्यारे साथियों ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है ना, तो इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया, बाकी तो इसमें मुझे पता भी नहीं चल रहा है। ठीक है, तो ये सब चीजें हो गई। दूसरी एक बात और मैं आपके यहाँ बता देना चाहता हूँ, और वो क्या है कि आप लोगों के लिए अन अकेडमी पर कोर्सेज में, यूपीएससी का कोर्स हो या एसएससी का कोर्स हो, उन सभी कोर्सेज की फ्री टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध होती है, एनी टाइम आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। मैं जो पढ़ा रहा हूँ यूपीएससी में, इंडियन पॉलिटी डिटेल में चल रही है, आप उसे पढ़ने के लिए अंकित 10 रेफरल कोड लगा करके मेरी क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं जो मैंने आपको बता देनी चाहिए थी। मेरा रेफरल कोड अंकित 10 है। अगर आप कॉम्बैट टेस्ट में भी जाएंगे, अगर आप लोग क्लासेस में भी एनरोल होते हैं तो अंकित 10 लगा लीजिएगा, जहां भी लगाएंगे आपको इससे फायदा ही होगा। किसी भी कैटेगरी में, किसी में भी आप लगाएं, ये राइज 2.0 चल ही रहा है। चलिए आपके सामने आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल। याद रहिए हमने आप लोगों के लिए मंथली करंट अफेयर शुरू कर दिया है। जनवरी वाला करंट मैंने सुबह पढ़ा दिया है, फरवरी वाला करंट पढ़ाऊंगा, टाइम को लेकर के थोड़ा सा इशू चल रहा था। मैं आपको बता दूं सुबह 7 से 8 और 8 से 9, कल हमने 2 क्लासेस रखी है आपके लिए स्पेशल क्लासेस, तो याद रख लीजिएगा ये 2 क्लासेस कल हैं आप लोगों की। ठीक है, हाउ मेनी टाइप ऑफ इमरजेंसी आर एनविसेज्ड अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में कुल कितने प्रकार की इमरजेंसीज की बात की गई है, ये सवाल मैं कल करा चुका हूँ। यहाँ से लेकर के 11 नंबर तक के सवाल हम लोग कर चुके थे, और 11 नंबर के बाद में आज जो हमें करना था वो 12 नंबर का सवाल करना था। ठीक है, चलो शुरू करते हैं यहाँ से आगे। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूट हैज नॉट येट बीन यूज्ड, कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो अभी तक भारतीय संविधान में यूज नहीं किया गया है। जो भी विद्यार्थी मुझे विशेष भेज रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका प्यार और आपका आशीर्वाद ऐसे ही बच्ची पर बनस्ता रहे, है ना? मैं आपकी विशेष जरूर उसको शेयर कर दूंगा। जी हाँ,
आर्टिकल 360, ठीक है बेटा। वित्तीय आपातकाल देश में अभी तक नहीं लगा है और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ऐसी स्थिति ना ही हो, ठीक है। चलिए दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, वित्तीय आपातकाल से बाकी अलावा जो है 362 जो 352 जो है जिसके तहत हम लोग इमरजेंसी की बात करते हैं, उसके अलावा जो दूसरा वाला है राष्ट्रपति शासन 356 के तहत हम लोग बात करते हैं, ठीक है। चलिए सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान के बारे में 360 के तहत कौन सी बात सही है। आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है, थोड़ा पढ़ करके समझने का प्रयास करते हैं। पहला पॉइंट, द डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा 2 मास की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी। अब ये अंग्रेजी से हिंदी ज्यादा मतलब टफ है तो इसलिए मैं इसमें यहां से पढ़ दे रहा हूं। शैल नॉट रिमेन, द डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी शैल नॉट रिमेन इन फोर्स एट द एंड ऑफ 2 मंथ इफ इट इज नॉट रेटिफाइड बाय द रेजोल्यूशन ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ दैट पीरियड। क्या है इस बात का मतलब, क्या है मैं आपको थोड़ा सा ये समझा देता हूं। देखो बेटा, जब इमरजेंसी लगती है ना, तो इमरजेंसी लगने के बाद में प्रक्लेम तो राष्ट्रपति करता है, चाहे फिर वो मतलब आपके राष्ट्रीय आपातकाल हो या वित्तीय आपातकाल। लेकिन इसके बाद में जो दूसरा कथन है वो क्या है, इसको यहां से पास होने के बाद में यानी राष्ट्रपति की घोषणा के बाद में संसद से भी अनुमोदित होना आवश्यक है। तो वित्तीय आपातकाल के केस में पूछा जा रहा है कि कितने महीने के भीतर इसका संसद से अनुमोदन होना आवश्यक है, पहला सवाल। दूसरा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एबल टू डायरेक्ट इफ फाइनेंशियल इमरजेंसी एनफोर्स्ड शैल रिड्यूस द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ ऑल और एनी क्लास ऑफ पर्सन सर्विंग in connection with the affair of union but not include judges of supreme court and high court। ab iska matlab pehle main aapko bata deta hu, dekhiye financial emergency lagi hai, that means paisa khatam ho gaya hai, jab paisa khatam ho gaya hai to in that case aap se ye pucha ja raha hai ki bataiyega agar maan lijiye ki paisa khatam ho gaya hai to kya kiya jaye, sarkar kya kar sakti hai। to pehla point nikal kar ke aata hai ki sarkar jo hai, सरकार लोगों की तनख्वाह कम करती है। अब आप सवाल पूछेंगे कि साहब सरकार लोगों की तनख्वाह कम करती है तो इसका मतलब क्या निकला जाए, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, पहले सवाल समझ लीजिएगा, फिर इसके बाद में पूछा जा रहा है सरकार तनख्वाह कम करती है, किसकी तनख्वाह कम करती है, जो भी संचित निधि पर भारित है यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर जो भी भारित है उनकी तनख्वाह सरकार कम कर देती है, रोक भी सकती है ताकि पैसा बचाया जा सके। तो अब आपसे पूछा जा रहा है इन दोनों ऑप्शंस के बारे में, बताइए कौन सा कथन सत्य है। इसमें एक चीज जो है कौन सा कथन सही है, बहुत ही प्यारा सवाल है। यार हम कहीं गलती कर दी है, रुको एक मिनट। कारण क्या है कि हम है ना इस पॉइंट में उलझ रखे हैं। देखो ये जो पॉइंट है ना, एक मिनट रुको, पॉइंट क्या है, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इनकी तनख्वाह भी कटती है, तो ये कथन तो हो गया गलत, ठीक है नंबर एक। दूसरी बात, मतलब अगर आप जजेस की बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की तो इनकी भी तनख्वाह कटेगी, ये पॉइंट गलत हो गया। दैट मींस करेक्ट पूछा जा रहा है तो करेक्ट तो नहीं हुआ ना ये पॉइंट, चलो ये हटाया। दूसरा, द डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी शैल नॉट रिमेन इन फोर्स ऑफ एंड ऑफ 2 मंथ्स इफ इट इज नॉट रेटिफाइड बाय द रेजोल्यूशन। दो महीने के अंदर हो जाती है, 2 महीने का उद्घोषणा का काल इसका है, 1 महीने का उसका है, 6 महीने का उसका है, ठीक है ठीक है। हाँ भाई ये 2 महीने सही है। सॉरी साथियों, एक बार दोबारा से पोल एक्टिवेट कर रहा हूँ, एक बार सभी लोग जो है पोल को रिक्रिएट कर दीजिए, माफी चाह रहा हूँ मैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर जो था ना मैं इस ऑप्शन को बहुत ज्यादा सोचने में लग गया था। सुप्रीम कोर्ट जजेस ये तो कंफर्म है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जजेस की तनख्वाह काटती है, डन है, ठीक है। तो द राइट आंसर इज, हाँ राइट आंसर इज ए मेरे प्यारे साथियों, आर्टिकल 360 द ऑकेजन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्राइसिस, ठीक है, तो ये 2 महीने के अंदर इसको पार कराना होता है और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तनख्वाह कटती है, ठीक है ना। हाँ जी, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड अंडर आर्टिकल 352 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हेन द सिक्योरिटी ऑफ एनी पार्ट ऑफ इंडिया इज थ्रेटन्ड बाय द फॉलोइंग। 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल हमें मालूम है 3 परिस्थितियों में लगता है, या तो हम पर किसी ने आक्रमण कर दिया हो, या युद्ध हो गया हो, या फिर आर्म रिवेलेशन मतलब सेना ने विद्रोह कर दिया हो। इन 3 ही परिस्थितियों में क्या लगती है, इमरजेंसी लगती है। सवाल पूछा जा रहा है कि जब इमरजेंसी लगे तो पूछा जा रहा है किसी क्षेत्र में अगर अशांति है, किस कारण से है, युद्ध के कारण अशांति है, किसी विदेश ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया उसके कारण अशांति है, आर्म रिबेलियन यानी कि जो हमारे यहाँ के रिबेल्स हैं, जो आर्म की सेना के जो है वो विद्रोह हो गया है, और ड्यू टू इंटरनल डिस्टर्बेंस, किन किन केसेस पे इमरजेंसी प्रक्लेम की जा सकती है, ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो कल मैंने आपको प्रॉपर तरीके से इसकी पूरी कहानी सुनाई है, अगर आप कल की क्लास में थे तो आप इसका आंसर डेफिनेटली सही कर देंगे, है ना, बिल्कुल ठीक है।
याद रखिएगा इंटरनल डिस्टरबेंस वाला जो क्लॉज है ये हटा दिया गया 44th अमेंडमेंट के द्वारा, क्योंकि इसी के चलते 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी जी के द्वारा इमरजेंसी प्रक्लेम की गई थी, ठीक है ना। तो 44वें संशोधन के द्वारा इसे हटा दिया गया। अब इंटरनल डिस्टरबेंस नहीं है, ये तीन ही आधार हैं जिनके ऊपर इमरजेंसी को बुलाया जा सकता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। टर्म ऑफ लोकसभा इन नेशनल इमरजेंसी क्या किया जा सकता है? क्या बढ़ाई नहीं जा सकती? क्या बढ़ाई जा सकती है जब तक चाहें? मे बी एक्सटेंडेड बाई वन ईयर ओनली, केवल एक साल ही बढ़ाई जा सकती है। कैन बी एक्सटेंडेड टिल द एंड ऑफ इमरजेंसी बट ओनली फॉर वन ईयर एट ए टाइम। बताइए क्या सवाल पूछा गया है, कितने साल के लिए तो प्रावधान किया गया है, कितने साल के लिए तो ये बढ़ाई जा सकती है और एक बार में मिनिमम कितनी देर के लिए बढ़ाई जा सकती है, ये सवाल है। बताइए, अच्छा प्रश्न है। ठीक है, द पॉइंट इज मेरे प्यारे साथियों, यही कारण है कि जब इंदिरा गांधी जी, वो देखिए सुनिएगा ध्यान से, एज लॉन्ग एज नहीं है, एक बार में एक साल है, ठीक है ना। हाँ जी, एक बार में एक साल, ये प्रोविजन बाद में ऐड किया गया था। पहले क्या होता था, इंदिरा गांधी जी के समय पर संसद का जो सत्र है वो छह साल, लोकसभा छह साल के लिए चली थी, है ना। वैसे उन्होंने सात साल के लिए प्रक्लेम की थी, मतलब दो साल के लिए एक्सटेंड कर दी थी, लेकिन छह साल में चुनाव हो गए थे, ये चीज याद रख सकते हैं, ठीक है ना, एक बार में, ठीक है। ये बात आपको मैंने आपको यहाँ पे बता दी है, आपातकाल के दौरान जो अवधि है लोकसभा की वो इसके अंतर्गत बढ़ा करके पांच साल से बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक बार में एक साल से ज्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती, ठीक है ना। अच्छा, इसके पश्चात जब आपातकाल नहीं बचेगा उसके भीतर छह महीने के अंदर अंदर इलेक्शन होना कंपलसरी। ये जो है ना इमरजेंसी वाला जो चैप्टर है, इसमें जो पॉइंट्स हैं, मतलब पॉइंट से मतलब हुआ जो इंपॉर्टेंट तथ्य याद रखने वाले हैं, इमरजेंसी कब लगती है, कितने महीने के अंदर वैलिडेट होती है, यहीं से प्रश्न बनता है, बाकी इसमें कुछ है नहीं। इसमें असल में इतने सारे मतलब बदलते हुए फैक्चुअल डेटाज हैं जिनके कारण बहुत बार दिक्कत होती है ना, तो उसको बस कॉन्सेंट्रेट करना है। वेयर वॉज द प्रेसिडेंट रूल फर्स्ट इंप्लीमेंटेड अंडर आर्टिकल 356 इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो कौन सा राज्य था जहां पहली बार में इमरजेंसी लाई गई थी, बताइएगा। हाँ जी करें, ये तो इसको कर ही नहीं पाएंगे। तो सुना ही नहीं, पंजाब तो सबको पता है। हाँ जी, 1951 के अंदर मेरे प्यारे साथियों, पंजाब एंड पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, दैट इज पेप्सू स्टेट, इन 1951 ये कंबाइंड हुआ करते थे। जब देश बना था उस समय आप लोगों ने ग्रुप ए ग्रुप बी करके जो देश बनाए थे, मतलब राज्य बनाए थे, उनमें से ए वाला राज्य था ये, यहाँ पर जो है राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज्ड मैक्सिमम, ये सवाल मैं पहले भी पूछ सका हूं, अधिकतम कितने वर्ष तक राष्ट्रपति शासन रह सकता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसमें एक ऑप्शन और होना चाहिए था जो कि शायद राइट आंसर होता, मैं उसको एक्टिवेट कर देता हूं, और वो है अनलिमिटेड पीरियड। आपको यहां से सोच के आंसर देना है, बायस नहीं होना है, अपना दिमाग लगाइएगा, मैंने तो केवल आपको हिंट दिया है। केवल 352 है जो कि अनलिमिटेड हो सकता है, मैंने कहा एक ऑप्शन और होना चाहिए था, बोले चलो चलो लगाओ लगाओ लगाओ, है ना। मैंने अब बताओ, ये सवाल में जब ओरिजिनल ही नहीं है तो इसका मोटिव तो एकदम क्लियर था कि क्यों नहीं डाला गया है, ठीक है, समझ में आ गई बात। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट शुड बी अप्रूव्ड इन वन ऑफ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट विद इन 2 मंथ of the date of issue of declaration of effect of president rule, जब राष्ट्रपति शासन लग जाए तो उसे 2 महीने के भीतर सदन के किसी सत्र से, चाहे लोकसभा या राज्यसभा, वहां से पारित होना जरूरी है। नंबर एक, the state budget resolution is passed by parliament during president rule, यानी कि state budget resolution जो है वो संसद द्वारा बजट प्रस्ताव पारित किया जाता है अगर राष्ट्रपति शासन लग गया हो। बहुत ही प्यारा सवाल है, मैं एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को, आपको आंसर कर लेना चाहिए, अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, मैं आपको वो भी बताऊंगा। करें, क्या है इसका मीनिंग अभी मैं आपको बताता हूं, याद करिए। अंशु पाठक केमिस्ट्री में बेटा, तुषार माधे थैंक यू सो मच। चलिए अब ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, अब सवाल समझा देता हूं, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। देखो, कल याद है मैंने आपसे कहा था, कल अगर आप क्लास में थे इमरजेंसी वाली, अगर नहीं देखिए तो एक बार जरूर देख लीजिएगा, मैं आपको क्या बता रहा हूं, पहले सुनिएगा। राष्ट्रपति शासन क्यों लगाया जाता है, तो आंसर है कि सर राष्ट्रपति शासन लगने से जो केंद्र सरकार है उसके अधीन राज्य का कारोबार आ जाता है। मैंने आपसे पूछा था, मैंने कहा उदाहरण के रूप में मान लीजिए कि मैं अपने राजस्थान की बात लूं, सोच के देखिए कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लग गया,
अभी ऑलरेडी यहाँ पर सीएम भी है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी है, यानी कि सीएम जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ही पार्ट है, लेकिन मैंने समझाने के लिए ये बात बता दी। और पूरा की पूरा अभी विधानसभा के अंदर 200 सदस्य भी है, तो ये सब लोग बैठे हुए हैं, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज ए पार्ट ऑफ विधानसभा। ठीक है, ठीक बात है। अब मैंने कहा कि इसका अर्थ क्या निकले, तो इसका अर्थ ये निकला सर कि राजस्थान की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है जो कि कुल सदस्य संख्या का केवल 15% हो सकती है, अर्थात अधिकतम 30 सदस्य ही मेरे राजस्थान राज्य से मंत्री बन सकते हैं, उनमें से अब ये सारा की सारा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ये जॉब लेस कर दी, एक प्रकार से सस्पेंड कर दी। तो क्या होगा, राष्ट्रपति अब गवर्नर के माध्यम से, गवर्नर के सहयोग से ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर क्या करेगी, अब मैं आपको बताता हूँ, राष्ट्रपति इस पूरे राज्य के ऊपर शासन प्रारंभ कर देगी और इसे सस्पेंड कर देगी। किसे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को जॉब लेस कर देगी। किस केस में ये कब होता है, तो प्रेसिडेंट रूल के अंदर ऐसा होता है। अब एक सवाल और बनता है, फिर सर एक बात बताइए भाई, जैसे राजस्थान राज्य के अंदर भी बजट आएगा, जैसे भारत का बजट मैंने आज पढ़ाया है आपको भाई 29 जनवरी के आसपास आप लोगों ने पढ़ा है कि बजट सत्र शुरू होगा, 1 फरवरी को मेरे प्यारे साथियों ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। बोले सर एक बात बताइए, तो प्रेसिडेंट रूल के केस में जो अगर मान लो जैसे कि केंद्र का बजट आता है, ऐसे तो राज्य का बजट भी आएगा ना, मैंने कहा बिल्कुल आएगा। तो जब राज्य का बजट आएगा तो राज्य को पैसे के बारे में जानकारी कौन देगा, अब तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बची नहीं, मुख्यमंत्री नहीं बचा, वित्त मंत्री नहीं बचा, तो बजट कौन पेश करेगा। तो ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे साथियों जिस राज्य में बजट आने का टाइम हो और वहां की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सस्पेंड हो, तो वहां की जो संसद है, केंद्र सरकार जो है वो उस राज्य का बजट बनाती है। ये तथ्य याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये चीज जो है मेरे प्यारे साथियों आपसे सवाल में पूछी गई थी, तो आप दोबारा पढ़ते हैं, 2 महीने नहीं है, ये 6 महीने का कार्यकाल है, पहला पॉइंट तो यहीं से क्लियर हो जाना चाहिए। दूसरा, प्रेसिडेंट रूल जो है, ये प्रेसिडेंट रूल के अंदर मैंने बजट का काम बताया, जो कि एक बार थम्स अप कर दीजिए समझ में आ गया, तो बजट रेजोल्यूशन इज पास्ड बाय द पार्लियामेंट ड्यूरिंग, तो ये तो सही हो गया, ठीक है। तो ओनली बी इज करेक्ट, यहां पर 2 मंथ नहीं है, यहां पर 6 मंथ है प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है बेटा, समझ में आया चंदन यादव, क्लियर हो गया, थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which one of the pair of the following article relating to the fundamental right cannot be suspended during the imposition of emergency under Article 359 of the Indian Constitution? याद कर लीजिएगा, हालांकि मैं इसको कल भी बता चुका हूँ, फिर भी एक बार आज रिवाइज कराऊंगा, जल्दी से देखिए और आंसर करिए। मैं आपके सामने ये लीजिए एक्टिवेट कर दिया। चलिए करें, अब ध्यान से सुनिए, पहले मैंने कल भी पढ़ाया था, एक बार मैं इसको थोड़ा सा और समझा देता हूँ, ध्यान से देखिए मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको इसको थोड़ा कंसेप्ट के साथ क्लियर करना चाहता हूँ। हमने कहा इमरजेंसी 3 प्रकार की है, 352 वाली इमरजेंसी, 356 वाली इमरजेंसी और 360 वाली, ठीक है बेटा, 356, 360, ये 3 तथ्य हमको मालूम है। अब ध्यान से सुनो, इमरजेंसी जो है ये वाली कौन सी हो गई, स्टेट मतलब सेंटर की इमरजेंसी, केंद्र की इमरजेंसी, ये स्टेट इमरजेंसी, ये वित्तीय इमरजेंसी, हम इससे संबंधित बात कर रहे हैं कि भाई केंद्र सरकार ने आपातकाल लगा दिया, केंद्र सरकार ने आपातकाल की घोषणा कर दी, पॉइंट नंबर 1। तो अब क्या है, अगर आपातकाल की घोषणा कर दी तो इसके साथ आर्टिकल 352 के साथ में राष्ट्रपति को 2 आर्टिकल्स के माध्यम से, 358 और 359 के माध्यम से पावर प्राप्त हो जाती है। क्या प्राप्त हो जाती है, कौन सी पावर प्राप्त हो जाती है, मैं बताता हूँ। 358 के तहत उसे ये पावर प्राप्त हो जाती है राष्ट्रपति को कि वो मतलब 352 के तहत जैसे ही इमरजेंसी प्रोक्लेम करता है ना कि हाँ भाई देशवासियों इमरजेंसी लगा रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ 352 दहेज में लेके आया 358 को, यानी साथ में ही लेके आया है। दैट मींस कि आर्टिकल 19 जो है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है उसी समय जैसे ही 352 एग्जीक्यूट होता है। मतलब क्या हुआ, 352 हुआ, 358 ऑटोमेटिक इन्वॉल्व, 358 हुआ तो आर्टिकल 19 खत्म, तो एक साथ चेन बनी हुई है। देखो दोबारा सुनो, जैसे मैंने कहा इमरजेंसी लग गई तो 352 लग गया, मतलब 352 के साथ में 358 गिफ्ट में आया और 358 ने अपने अंदर समा रखा था किसको, आर्टिकल 19 को। आर्टिकल 19 क्या कहता है, आर्टिकल 19 कहता है कि भाई साहब मैं जो हूँ वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कहीं भी संगठित होने की स्वतंत्रता, कहीं से भी आने जाने की स्वतंत्रता, कोई भी संगठन बनाने की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता, कहीं भी बसने की स्वतंत्रता, ये सारी स्वतंत्रताएं खत्म। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे ही ये चीज लगी तो आप सोच के देखिए, आपको लगता है केवल ये आर्टिकल 19 है, हाँ गर्मी बहुत ज्यादा है यार यहाँ पे, और गलती क्या हुई कि मैं वहां से टी शर्ट लाया नहीं, मैं ये वाला हुड पहन के आ गया अनअकैडमी वाला, और इसमें गर्म हुड है ये, तो भाई मैं तप रहा हूँ यहाँ पे भयंकर, यहाँ पे 28-30 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर ज्यादा चल रहा है ना। अब सुनिएगा, तो मेरे प्यारे साथियों इस मुद्दे को थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, आप सोच लो कितनी मेहनत करी जा रही है आप लोगों के लिए आपका सिस्टम ना टूटे, बस इसके लिए कोशिश की जा रही है ना। तो अब ध्यान से सुनिए मैं क्या बता रहा हूँ, वो सब देखा जाएगा, सुनो ध्यान से। आर्टिकल 19 को अभी तो अपन अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा सा इसको इज्जत देते हैं। क्या इज्जत देते हैं, कि भाई इसकी वजह से अब प्रेस जो है वो कुछ नहीं लिख सकती, क्यों, क्योंकि अभिव्यक्ति की आजादी खत्म है। आप अपने द्वारा किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पर कुछ नहीं लिख सकते क्योंकि अभिव्यक्ति की आजादी खत्म। आप किसी भी दोस्त से मिलने जा रहे हैं, मान लीजिए आपका दोस्त किसी राज्य में रहता है, आपने कहा कि हम वहां जा रहे हैं, आपको जाने से सरकार ने रोक दिया, क्यों, अभिव्यक्ति की आजादी खत्म। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है,
आने जाने की आजादी खत्म। आपने कहा कि अब हम सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, अभिव्यक्ति की खत्म। कहने का मतलब समझ में आ गया क्या है? कहने, हाँ बेटा गोवा में ही हूँ मैं, बहुत गर्मी है यहाँ पे अभी। तो मुद्दा समझ में आया, 1900 गिफ्ट में आया। अब 300, तो ये पूरी तरह से आर्टिकल 19 जो है वो बहुत ही खराब चीज हो गई। अब 359 की बात सुनो, 359 क्या कहता है? इसके तहत ये कहा जाता है कि राष्ट्रपति के पास अब एक प्रोविजन और है, और वो क्या है? वो प्रोविजन ये है कि 359 के तहत राष्ट्रपति क्या कर सकता है, वो 359 के तहत एक और काम कर सकता है, और वो क्या है? वो ये है मेरे प्यारे साथियों कि बाकी जितने भी फंडामेंटल राइट हैं उन्हें भी सस्पेंड कर दे, केवल 20 और 21 को छोड़ करके। बाकी जितने भी आर्टिकल्स हैं उन सबको, कौन कौन से, चाहे फिर वो कानून के समक्ष समता का अधिकार हो, चाहे अनटचेबिलिटी वाला अधिकार हो, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो, सब खत्म, इन दो को छोड़ करके। ये है असल वाली इमरजेंसी। उम्मीद है सभी को बात समझ में आ गई होगी, मुद्दा क्लियर हो गया होगा। अच्छा एक बात बताइए, कई बार ऑफन ऑन हूज एडवाइस प्रेसिडेंट रूल इज इंप्लीमेंटेड इन द स्टेट, राष्ट्रपति शासन लग गया, कई बार हम ये लाइन बोलते हैं, कौन की सलाह होती है जिसके ऊपर राष्ट्रपति शासन लगता है? ये सवाल पूछा जा रहा है, कौन सलाह देता है राष्ट्रपति शासन के लिए? हाँ बेटा, मेरे कारण से भारत, आप लोगों की पढ़ाई रुके, ये तो मतलब मैं एंजॉय करूं और उससे आपका नुकसान हो, ये पूरी तरह जस्टिफाइड नहीं होता। इस कारण से मैंने आपकी क्लासेस ली हैं भाई, मैंने एक भी क्लास आपकी रोकी नहीं इस कारण से कि मेरा ठीक है थोड़ा सा एडजस्ट, क्योंकि मेरे कारण से आप लोगों को परेशानी हुई है, मेरी नेचर में नहीं है। मैं मतलब एक भी क्लास अभी कल से लेके अब तक आपकी एक भी क्लास को परेशान नहीं होने दिया, है ना? हाँ, तो गवर्नर की जो एडवाइस होती है उसी के ऊपर मेरे प्यारे साथियों, हाँ जी, तो गवर्नर की जो एडवाइस होती है उसी के आदेश पर क्या लगता है? राष्ट्रपति शासन लगता है। चलिए बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 352, व्हाट इज द राइट अबाउट एक्सटर्नल इमरजेंसी, एक्सटर्नल इमरजेंसी के बारे में कौन सा कथन सही है? देखिए, हाँ जी, इट इज अनाउंस्ड बाय द प्रेसिडेंट, यहाँ से सुनिएगा भाई साहब, कुल मिलाकर के 8 पॉइंट है, पढ़ते हैं, देखते हैं। इधर देखो, ये राष्ट्रपति द्वारा अनाउंस किया जाता है। दूसरा, इट शुड बी अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट विद इन 2 मंथ्स, ये 2 महीने के भीतर राष्ट्रपति के द्वारा अनाउंस होना चाहिए, ठीक है ना? हाँ जी, जूम करूं क्या? लीजिए देखिए, ये जो है अप्रूव्ड बाय दी पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट यानी संसद के द्वारा 2 महीने के भीतर अप्रूव हो जाना चाहिए। तीसरा, पार्लियामेंट विद इन 1 मंथ, ये पार्लियामेंट द्वारा 1 महीने में अप्रूव हो जाना चाहिए। इट शुड बी अप्रूव्ड बाय दी सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, ये साधारण बहुमत से अप्रूव हो जाना चाहिए। दिस शुड बी अप्रूव्ड बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, ये 2/3 बहुमत से अप्रूव हो जाना चाहिए। इट कैन बी विथड्रॉन बाय ए सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, है ना? तो अब देखिए, आप लोग अब तक पहचान तो गए ही होंगे कौन कौन से कथन गलत हैं। जैसे मैं अगर देखूं तो मुझे, मैं एक बार बस ढूंढ लेता हूं, ये लो मुझे तो पता चल गया, बाकी मैं आप लोगों के लिए सारे पढ़ दे रहा हूं। इट कैन बी विड्रॉन बाय द सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, इट कैन बी विड्रॉन बाय ए, हाँ भाई मुझे तो सारा दिख गया, ठीक है, इट कैन बी विड्रॉन बाय द 2/3 मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, दिस कैन बी एक्सेप्टेड इन द जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, जॉइंट सेशन वाली बात जो है वो सही है या गलत है? चलो उल्टा करना शुरू करते हैं, पहले यस और नो में आंसर दो, क्या जॉइंट सेशन वाली बात सही है या गलत है? सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर देते जाइए, उम्मीद है सभी साथियों को ये प्रश्न मैं समझाने में कामयाब हो जाऊंगा। बताइएगा, सवाल पूछा जा रहा है जॉइंट सेशन सही है क्या? नहीं, जॉइंट सेशन साधारण बिल के अलावा कहीं नहीं लगता। तो भाई जैसे ही जॉइंट सेशन गलत, अब इधर देखिए, गलत 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 गलत, वाह 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 वाह, बोलो कुछ समझ में आ रहा है? ये एक जगह फंस गया, मतलब इतनी मेहनत से भाई ने सवाल बनाया, जिसने भी बनाया है, और एक जगह ऐसे अब्बा का डब्बा हुआ इसका कि गोल हो गया ये। मजा आया? मतलब आप सोच के देखो कि आपने इस पूरे प्रश्न को अगर पेशेंस के साथ पढ़ा था, पूरा प्रश्न एकदम धड़ाधड़ सॉल्व हो गया। अब देखते हैं और कौन कौन से कथन, सेकंड वाले कथन के बारे में बात करते हैं, क्या 2 महीने के अंदर अप्रूव होना चाहिए? इट शुड बी अप्रूव बाय द पार्लियामेंट विद इन 1 मंथ, 2 महीने वाला बात। नंबर 30, तीसरा ये हो गया, जिसके 2/3 मेजोरिटी जो है उसके द्वारा अप्रूव होना चाहिए, है ना, सिंपल मेजोरिटी से इसको विड्रॉ कर लेना चाहिए, दैट्स ऑल। चलिए क्लियर हो गया, चलिए बढ़ते हैं आगे। द ड्यूरेशन ऑफ ए स्टेट असेंबली कैन बी एक्सटेंडेड इन एन इमरजेंसी, राष्ट्रपति शासन के दौरान जो असेंबली का कार्यकाल है वो कितने दिन का बढ़ाया जा सकता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने दिन का, मतलब वो जो असेंबली का जो कार्यकाल है वो कितने, किसके द्वारा? द ड्यूरेशन ऑफ द स्टेट असेंबली कैन बी एक्सटेंडेड इन एन इमरजेंसी, कौन बढ़ा सकती है असेंबली का कार्यकाल? जैसे मैंने आपसे कहा कि राष्ट्रपति शासन जो है वो अधिकतम कितने साल के लिए लगता है, है ना, कितने समय के लिए लगता है? तो मैंने आपको बता दिया, वो
एक पॉइंट को लेकर के थोड़ा सा डाउट हो रहा है। एक मिनट रुको यार, एक पॉइंट है जो कि थोड़ा सा आर्गुमेंटेटिव है। हाँ जी, पार्लियामेंट द्वारा बढ़ाई जा सकती है, ये तो सही है, लेकिन मैं एक प्रश्न और देख रहा हूँ। चलो एंड में बताता हूँ मैं आपको, एक प्रश्न सवाल है इसमें इमरजेंसी से संबंधित, वो और चीज बताना चाह रहा था मैं आपको। सिंपल और स्पेशल मेजोरिटी अलग अलग होती है, मैं बताऊंगा अभी चलकर। सिंपल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है, मैं आपको वो मैंने हालांकि बहुत बार पहले भी समझाया हुआ है, एक बार और समझा देता हूँ। देखो तीन प्रकार की मेजोरिटी होती है, कौन कौन सी होती है? सिंपल मेजोरिटी एक होती है, स्पेशल मेजोरिटी और एक होती है स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी फॉर प्रेसिडेंट। ये तीनों अलग अलग होती हैं। कैसे होती हैं? बस फटाफट समझ लो। सिंपल मेजोरिटी में जो पहली परमिशन है वो है कोरम की पूर्ति होनी चाहिए। किसकी? कोरम की पूर्ति हो। कोरम कितना चलता है? 1/10 सदस्य जो है ना वो कोरम है, यानी कि 543 सदस्य हैं अगर लोकसभा में, तो 55 सदस्य अगर आ गए तो कोरम कहलाया। अब इस कोरम की पूर्ति के बाद में इसका बहुमत, इसका बहुमत बोले तो कितना हुआ, 28 × 56, तो 28 लोग अगर उपस्थित हो गए तो बिल पास हो जाएगा। दैट इज सिंपल मेजोरिटी, नंबर एक बात। दूसरी बात स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी में कोरम तो सब में ही पूरा होना चाहिए, मतलब कोरम के बिना तो सत्र चलेगा ही नहीं, नंबर एक। इसके बाद में स्पेशल मेजोरिटी के अंदर ये कहा गया है कि जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है, प्रेजेंट एंड वोटिंग जो लोग उपस्थित हुए उनका, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 एंड कुल सदस्य संख्या का, कुल सदस्य संख्या का 50%+1। अब इसका क्या मतलब हुआ, इधर देखिए, ये दोनों एक साथ अप्लाई होते हैं। लेट्स से भारत में 543 संसद में लोकसभा में सदस्य हैं, तो 243 है तो 273 तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए, नंबर एक चीज तो ये चाहिए ही चाहिए। नंबर दूसरा, जो उपस्थित हुए लोग, मान लो 400 लोग उपस्थित हुए, तो इसका 2/3 चाहिए, जो भी नंबर ज्यादा होगा। लेट्स से अब इसका 2/3 कितना बन के आता है, 3×3 = 26 के आसपास 260 तो मतलब नहीं निकला। मान लो 500 सदस्य उपस्थित हुए थे, 500 सदस्य हुए तो 3×3 = 18 तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये कितना बन रहा है, 332 के आसपास बन रहा है ना। तो ऐसी स्थिति में यदि 500 मेंबर उपस्थित हुए थे तो ऐसी स्थिति में इसका 2/3 हमको आवश्यक होगा, ना कि 273। क्या आपको मेरी ये बात समझ में आ रही है? बोलो, ये बात समझ में आ रही है? कहने का अर्थ हुआ कि जो स्पेशल मेजोरिटी है उसमें ये दो कंडीशन लागू होती हैं, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 और कुल सदस्य संख्या का 50%+1, इनमें से जो ज्यादा होगा वो लगेगा। ठीक है, मिनिमम तो ये चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। अच्छी तीसरी कंडीशन क्या है, अब वो समझ लो। तीसरी कंडीशन ये है राष्ट्रपति के केस में, वो क्या कहता है, जो कुल सदस्य संख्या है, जो कुल सदस्य संख्या है उसका, उसका 2/3 चाहिए ही चाहिए। जो इम्पीचमेंट आर्टिकल 61 के तहत होता है, जिसमें यह कहा गया है कि जो कुल सदस्य संख्या है उसका 2/3 चाहिए ही चाहिए। दैट मींस अगर 543 आपके पास है तो इसका 2/3 कितना हुआ, 362 के आसपास जो है वो आप लोगों को सदस्य संख्या चाहिए ही चाहिए। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर? हाँ भाई, क्लियर हो गया, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? संसद सत्र में हो तब तो इंपीचमेंट हो ही नहीं सकता है ना बेटा, ये है सारा की सारा मेजोरिटी वाला कांसेप्ट। चलिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आर्टिकल 358 इंप्लाइज टू होल कंट्री व्हाइल आर्टिकल 359 में अप्लाई टू होल कंट्री और ए पार्ट ऑफ इट। 358 तो पूरे देश पर, यानी कि आर्टिकल 19 जो है उसके तहत, आर्टिकल 19 के तहत, भाई मेरे चेहरे पे जो तनाव की रेखाएं आप देख रहे हो ये गर्मी से हो रही है, बाकी सब बढ़िया चल रहा है, ठीक है ना। आर्टिकल 358 के तहत तो क्या है कि जो 19 नंबर आर्टिकल है वो काम करना बंद कर देता है, और जो 359 है वो क्या है, 20 और 21, पूछ रहा है क्या सब कथन सही है। रेजोल्यूशंस अप्रूविंग द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी आर पास्ड बाय लोकसभा ओनली, और जो प्रस्ताव है इस चीज के, इमरजेंसी के, वो केवल लोकसभा के द्वारा ही पारित किए जा सकते हैं। इनमें से कौन सा कथन सही है बताइए। रेजोल्यूशन अप्रूविंग द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, मेरे हिसाब से तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, कौन सा कथन सही है। मान लो कि कभी ऐसा हो, मान लो कि कभी ऐसा हो, कॉमन सेंस लगाना, कि भाषण की अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो आधे भारत में खत्म कर दी जाए और आधे भारत में चालू कर दी जाए, तो फिर सरकार कैसे पता लगाएगी कि कौन व्यक्ति हमारे बारे में यहां से जाके वहां पर कुछ लिख रहा है। मतलब समझ में आया? तो कहने का अर्थ ये हुआ कि ये जो होती है 358, ये पूरे देश पर ही लागू होती है। ऐसा नहीं है कि आपने कह दिया राजस्थान में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खत्म है, लेकिन भारत में, मतलब बाकी राज्यों के अंदर जो है वहां पर उपलब्ध रहेगी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आखिरी दो सवाल, आखिरी दो सवाल क्या है इनको भी देख लीजिएगा। विद रेफरेंस ऑफ नेशनल
इमरजेंसी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर इट ओनली आफ्टर रिसीविंग ए रिटन रिकमेंडेशन फ्रॉम द कैबिनेट कैबिनेट के द्वारा रिटन रिकमेंडेशन आने के बाद ही यह कार्य किया जा सकता है पहले तक क्या होता था वो भी याद रख लेना दूसरा प्रोक्लेमिंग ऑफ नेशनल इमरजेंसी कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन कोर्ट इवन ऑन द बेसिस ऑफ मैलिशियस इंटेंशन इमरजेंसी को आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते ये तो सपना ही है मतलब कि कोई ये सोचे कि कोर्ट का इंटरफेयर किसी भी काम में ना हो कोर्ट हर चीज में इंटरफेयर करती है इट्स प्रोक्लेमेशन में अप्लाई प्रोक्लेमेशन मतलब उद्घोषणा लगना में अप्लाई टू द होल कंट्री और द पार्ट ऑफ द कंट्री क्या इमरजेंसी जो है वो पूरे देश में या फिर उसके कुछ हिस्सों में लगाई जा सकती है अच्छा प्रश्न है बहुत गहरा प्रश्न है अगर आपको पता हो तो करिएगा मजा आ जाएगा करके अगर आप कहें तो मैं पहले समझा दूं सुन लो समझ लो प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर ओनली आफ्टर ए रिटन रिकमेंडेशन बिल्कुल कथन सत्य है ये कथन सत्य क्यों है हाँ ये कथन सत्य क्यों है क्योंकि असल में पहले इंदिरा गांधी जी के टाइम पे ऐसा हुआ था कि वो तो टेलीफोन पे बोल दी थी ठीक है तो 44वें संशोधन के अंतर ये कहा गया कि पहले रिटन रिकमेंडेशन मिलनी चाहिए और मजेदार बात बताऊं मेरे प्यारे साथियों हमारे संविधान में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की तो चर्चा है लेकिन कभी भी कैबिनेट की चर्चा नहीं थी हमारे संविधान में तो जो कैबिनेट शब्द है ना वो 44वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान में एंट्री हुआ है यानी कि 44वें संशोधन द्वारा कैबिनेट शब्द जो है वो डाला गया था तो संसद का हिस्सा शब्द कैबिनेट कब बना तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ठीक है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है ये याद कर लीजिएगा ये एज इट इज आर्टिकल के अंतर्गत चला गया प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी कैन नॉट बी चैलेंज ये तो सपना ही है कह तो रहा हूं मैं आपको कि तो कोर्ट में कोई चीज ना चैलेंज की जा सकी ये संभव ही नहीं इट प्रोक्लेम में अप्लाई टू होल कंट्री बिल्कुल मैंने अभी हाल आपको देखो पीछे वाले पॉइंट पर पढ़ाया था 359 जो है में अप्लाई टू होल कंट्री और ए पार्ट ऑफ इट बिल्कुल इमरजेंसी का एक हिस्सा ऐसा है जो इसके देश के कुछ हिस्सों में अप्लाई हो सकता है सो द राइट आंसर इज लीजिए अब तो कर दीजिए 100% सही तब भी देखना 100% सही नहीं करेंगे लोग ये देख लो मतलब कई लोग तो ये बटन दबा के बैठे हैं कि ऑल ऑफ द अबव करना ही है कैसे कर लेते हो आप यार ऐसे हैं प्लीज ऐसे ना करो हाँ जी आखिरी प्रश्न थोड़ा बड़ा है लेकिन पढ़ते हैं आखिरी प्रश्न क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट ए नेशनल इमरजेंसी ऑल्सो कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी इज एन इमरजेंसी डिक्लेयर्ड ड्यू टू वार एग्रेशन आर्म्ड रिबेलेशन यहां तक तो सब सही है अंडर दिस ऑल द फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 आर सस्पेंडेड बाय आर्टिकल 359 क्या ये आपको पता चल रहा है नेक्स्ट President rule also known as state emergency. It is caused by the failure of constitutional mechanism in the state. The declaration of emergency sentence has been used in constitution for this type of emergency. Declaration of emergency शब्द लिखा हुआ है क्या संविधान के अंदर? ये सवाल पूछा गया है. तीसरा, financial emergency is imposed in the event financial instability and crisis of India's credit due to the record fall in the value of rupees against the dollar and the bad condition of Indian economy. The government had accused it in the country. If the declaration of emergency is approved by both the houses of parliament, then the emergency can continue for 6 months and can be extended indefinitely every 6 months with the approval of the parliament. ठीक है ना? दोनों houses के द्वारा अगर ये approve हो जाती है, तो ये 6 महीने तक के लिए लगाया जाती है और इसके बाद में अगले 6 महीने तक इसको forward किया जा सकता है. कौन सा कथन सही है? तो अब आपको पढ़ते पढ़ते तो point पता ही चल गया कि कौन सा कथन सही है. चलो तो फिलहाल के लिए इतना ही फिर कल मिलते हैं टिल देन टेक केयर बाय बाय थैंक यू बच्चों से मिल लेते हैं भाई हम भी सुबह से क्लास ले रहे हैं आप लोगों की अभी तक बच्चों से बर्थडे विश नहीं हो पाया है ठीक है चलिए थैंक यू सो मच मैं आपको आपका लीडर बोर्ड दिखा देता हूँ आपकी तरफ से सबकी तरफ से मैं अरु को बर्थडे विश करूंगा उसकी फोटोज आप लोगों से शेयर करूंगा और पॉसिबल हुआ तो मैं लाइव केक भी काट दूंगा उसका ठीक है हाँ लाइव केक काटेंगे मोस्ट प्रोबेबली 8:30 के आसपास कोशिश करते हैं ठीक चलो थैंक यू सो मच ओके और रेफरल कोड अंकित 10 से अगर आपको कुछ भी परचेज करना हो कोई भी क्लास लेनी हो तो देख लीजिएगा थैंक यू सो मच